मैं ये चाहता हूँ हजरत के शिर्क की नौयत और इसकी अकसाम के हवाले से मैं चाहता हूँ कुछ। देखिए सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह जो है वो शिर्क से नीचे नीचे के जो गुनाह जिसको चाहे मुआफ़ कर देगा लेकिन शिर्क को मुआफ़ नहीं फरमाएगा। अल्लाह ने बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर जो है ये ऐलान फरमाया है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। फिर आप पूरा कुरान उठा के देखें, जितनी मजम्मत आपको शिर्क की नजर आएगी इतनी मजम्मत किसी चीज की नजर नहीं आएगी। जितना जोर तौहीद पे दिया गया है इतना जोर आपको किसी भी बात पे नजर नहीं आएगा। तो मैं ये कहूंगा नाजरीन को और हम सब के लिए ये बात है कि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ें और अपनी जिंदगी पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद किस एड्रेस करता है मुआशरे को और कुरान किस तरह का मुआशरा बनाना चाहता है। हम किस मुआशरे की तश्कील मकसूद है, मुआशरे की तश्कील मकसूद है, हम उस तरफ आए और वो तर्ज वो अंदाज इख्तियार करें कि जो अंदाज कुरान को मतलूब है, जो अंदाज अल्लाह को मतलूब है, जो अंदाज अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का था, जो अंदाज औलिया किराम रहिमहुमुल्लाह का था, कि वो सब के सब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हो या औलिया किराम हो सब के सब मखलूक को खालिक के साथ जोड़ते थे, मखलूक को खालिक के साथ जोड़ते थे, वो वसीला थे। तो हम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का वसीला अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है, उनका वसीला हम अख्तियार करेंगे, उनका वसीला अख्तियार किए बगैर तो कोई चारा ही नहीं है मुसलमान के लिए, वसीला अख्तियार करेंगे, औलियाए कराम का वसीला भी अख्तियार करेंगे, तवस्सुल करेंगे, लेकिन जो मुस्तान हकीकी है जिससे हकीकतन मदद तलब की जाती है, जिससे हकीकतन लौ लगानी है, वो लौ हमने अल्लाह से लगानी है, वो अंबियाए कराम अल्लाह से जोड़ना चाहते हैं हमने अल्लाह से जोड़ना है, औलिया किराम हमें अल्लाह से जोड़ना चाहते हैं हमने अल्लाह से जोड़ना है। बाकी ठीक है, कोई अगर उनको अल्लाह तबारक व तआला की मदद का औने इलाही का मजहर समझकर कोई अगर उनसे इस्तियानत करता है तो वो भी अपनी जगह दायरे जवाज में है, उसका इनकार हम नहीं कर रहे, लेकिन हम असल बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि जो हम नमाज के अंदर कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो ये जो इय्याक नस्तईन है इसके मज़ाहिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी अमली जिंदगी में नजर आने चाहिए। बिल्कुल। अब आ जाए बात की तरफ कि शिर्क की नौयत और कैफियत में, हम तो शिर्क देखें अल्लाह तबारक व तआला की जात में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है, अल्लाह के अफाल में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क है। लेकिन ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि शरीक ठहराने का मतलब ये है कि जिस तरह अल्लाह की सिफत मानते हैं उसी तरह किसी मखलूक की सिफत माने तो शिर्क होगा। जैसे अल्लाह की सिफत है वो अल्लाह की सिफत जाती है, अल्लाह की सिफत है अल्लाह मुस्तकिल बिजात है और गिनाए मुतलक रखता है, गनी मुतलक है, बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, ये अल्लाह की सिफत ये है। और मखलूक के लिए कोई अल्लाह की अता से कोई वस्फ मानता है तो ये शिर्क नहीं है, इसे शिर्क कहना ये भी ज्यादती है। जिस तरह अल्लाह भी हाई है हम भी हाई हैं, अल्लाह जिंदा है हम भी जिंदा है, खुद आयतुल कुर्सी में ना अल हय्य अल कय्यूम, ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्य अल कय्यूम, तो हाई जिंदा, अल्लाह भी जिंदा है हम भी जिंदा है, लेकिन अल्लाह की हयात हकीकी है, अल्लाह की हयात जाती है, हमारी हयात अताई है अल्लाह की अता से है, अल्लाह की हयात बाकी है हमेशा अजली अबदी है, हमेशा से है हमेशा रहेगी, हमारी जो हयात है वो हादिस है, ना अजली है ना अबदी है, अल्लाह के बनाने से हुई है। तो ये फर्क, जब ये फर्क आ गया तो इस फर्क के होते हुए अब इस तरह किसी को मुशरिक ठहराना या किसी पे शिर्क का फतवा चस्पा करना ये भी गलत है। तो यानी इफरात और तफरीत है, दो इंतहाएं हैं, हमने दोनों इंतहाओं से बचकर बिल्कुल एतदाल के साथ रहना है। अल एतदाल हिल्यत रिजाल, एतदाल मर्दों का जेवर है, हमने एतदाल इख्तियार करना है। खैरुल उमूरी औसातुहा, सबसे उम्दा उमूर में कौन सा अमर होता है, जो तवाज़ुन के साथ हो, म्याना रवि हो, बीच में हो, तो हमने ये हम उम्मत वसत हैं, हम बीच वाली उम्मत हैं, बेहतरीन उम्मत हैं, तो हमने उसी अंदाज को अख्तियार करना है, ना उस इंतहा पे जाना है ना उस देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दोनों प्रोग्राम कल